ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀನಾಥಾದಿ ಗುರುತ್ರಯಂ ಗಣಪತಿ ಪೀಠತ್ರಯಂ ಭೈರವಂ ಸಿದ್ಧವೋ ಪಟುಕತ್ರಯಂ ಪದಿಕಂ ಧರಿಕ್ರಮಣಂ ವೀರಾನಷ್ಟುತಿಷ್ಟಿ ನೌಕಂ ವೀರಾವಲಿ ಪಂಚಮಂ ಶ್ರೀಮನ್ಮಾನಿ ಮಂತ್ರ ಸಹಿತ ವಂದೇ ಗುರುರ್ ಮಂಡಲ ಪರಂಪುಣ್ಯ ಸರ್ವದೇವ್ಜಿಗೆ ಚರಣ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತಾ ಹುವಾ. ಆಜ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಕೆ ಆಪ್ ಸಭಿ ಸಾಧಕೋ ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಯಹಾಂ ಅನೇಕ ಶುಭ ಅವಸರ ಮಿಲಾ. ಪರಮ ಪುಣ್ಯ ಸದ್ಗುರುದೇವ್ ಜಿ ಕಿ ಹೀ ಇಚ್ಛಾ ಹೋಗಿ ಜಬ್ ಮುಜೆ ಯಹಾಂ ಆನಾ ಪಡಾ ಯಾ ಆನಾ ಹುವಾ. ವೈಸೇ ಮೈಂ ಪಹಲೆ ಅಪ್ನೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಛೋಟಾ ಸಾ ಪರಿಚಯ ದೇನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ. ಮೈಂ ಪರಮ ಪುಣ್ಯ ಸದ್ಗುರುದೇವ್ ಜಿ ಸೇ 1982 ಮೇ ಜುಡಾ ಔರ್ 82 ಮೇ ಗುರುಜಿ ಸೇ ಪಹಲಿ ಬಾರ ಮಂತ್ರ ಕಿ ದೀಕ್ಷಾ ಲಿ. ಉಸ್ ದೀಕ್ಷಾ ಲೇನೆ ಕೆ देने की जो मेरी इच्छा हुई उसका भी कारण बताता हूँ. मैं सरकारी नौकरी में था और हैदराबाद से दिल्ली जाया जाता था सरकारी काम पे. तो तब गुरुजी की पुस्तक तांत्रिक शिक्षियाँ पुस्तक मेरे हाथ को लगी. मैं पूर्ण 24 घंटे में यानी जब हैदराबाद से निकलकर दिल्ली पहुँचने तक उस पुस्तक को पूर्ण रूप में पढ़ा. एक बार, दो बार, तीन बार. और मुझे जिज्ञासा हुई कि क्या इस घोर कलयुग में भी देवताओं के दर्शन होते हैं, साधना के माध्यम से इसे साध्य कर सकते हैं. उस जिज्ञासा के बाद मैंने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का उसमें पता लिखा था और कहा कि आप कोई साधनाओं के बारे में मुझे संपर्क कर सकते हैं. मैंने फोन पे संपर्क किया तो गुरु जी ने कहा कि आप कभी भी यहाँ आ सकते हो. मैं जोधपुर गया. जब जोधपुर गया तो गुरु जी नहीं थे, बम्बई किसी कारणवश गए थे. मुझे 3 दिन रुकना पड़ा. फिर भी सरकारी नौकरी रहने के कारण मेरी छुट्टी मैं बोल के नहीं निकला था. कमिश्नर ऑफिस में रहता, कमिश्नर ऑफिस में काम करता था. लेकिन जब जब ये विचार ही लेकर आया कि गुरु से दीक्षा लेकर जाऊं तो तीसरे दिन गुरु और मैं चरणों में जाकर नमस्कार किया और कहा कि मैं आपसे मिलने आया हूँ. गुरु ने कहा कहो किस विषय में आया. तो ने कहा कि मैं आपकी तांत्रिक सिद्धियां पुस्तक पढ़ाऊँ और आप कहते हैं कि साधना के मार्ग से हम देवता का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं और सिद्धियां मिल सकती हैं और मैं उसी लिए आपके पास आया हूँ. परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने मुझे देखकर पहले तो हंसे, बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है तूने गुरु दीक्षा ली है क्या. मैंने कहा गुरु दीक्षा मैंने नहीं ली है. वैसे परंपरा में ब्राह्मण रहने के कारण मेरे पिताजी ने मुझे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है और मैं वैसे शेगांव के गजानन महाराज को अभी तक तो गुरु मानते हुए चले आता हूँ. हमारी कुलगुरु परंपरा में शंकराचार्य की बस्ती है और शंकराचार्य को हम कुलगुरु मानते हैं. गुरु ने कहा कि अगर तू क्या चाहता. मैंने कहा कि मैं भी देवता का दर्शन करना चाहता हूँ. गुरु जी ने कहा कि ठीक है, देवता दर्शन करना चाहता है तो तुझे दीक्षा लेनी होगी. मैं इतना अज्ञानी या कहो एक प्रकार का इस प्रकार गुरु से बात कर रहा था कि प्रभु अगर आप मुझे देवता का दर्शन करवाते हैं तो मैं आपका दीक्षा लेने के लिए तैयार. ऐसे नहीं बात करनी चाहिए. फिर भी मैंने गुरु जी से यही बात कही, मुझे याद है आज भी. और गुरु जी हंसे कि पहले दीक्षा ले. और गुरु जी ने कहा कि मैं जैसा कहता हूँ वैसे साधना करेगा. मैंने कहा साधना करूंगा लेकिन मुझे एक ही रट पकड़ था कि मुझे देवता का दर्शन चाहिए. गुरु जी ने कहा सुबह आकर तू गुरु दीक्षा ले ले. मुझे पता था मार्गशीर्ष मास की अमावस्या थी और उस दिन ग्रहण भी था जब गुरु जी ने मुझे बुलाया था. वैसे थोड़ा सा ज्ञान ज्योतिष का रखता हूँ इसलिए मुझे लगा कि मार्गशीर्ष मास मेरी राशि के अनुसार घाट मास है. शनिवार घातवार है. नक्षत्र भी घात नक्षत्र है और उसमें ग्रहण है, अमावस्या है. और गुरु जी कहते हैं कि आज दीक्षा ले ले. अब जैसे अपना दिमाग तो चलता है, अपना दिमाग चलाकर गुरु जी के सामने चला रहा था. और गुरु जी ने कहा नहीं नहीं तुझे दीक्षा लेनी है. दूसरे दिन गया गुरु से दीक्षा मैंने ले ली और गुरु जी ने कहा कि तू कौन से देवता का दर्शन करना चाहता है. मैंने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से कहा कि मैं एक छोटे से गाँव में रहता हूँ. उस गांव में हम सब मित्रों ने मिलकर एक गणेश जी का मंदिर बांधा हुआ है
और श्री गणेश आत्मा कहते हैं तो मैं पहले गणेश जी का ही दर्शन करना चाहता हूं। गुरु जी ने कहा ठीक है, साधना कठिन है, अगर तू करता है मैं जैसा कहता हूं तो जरूर साधना सिद्धि मिलेगी, गणेश जी का दर्शन होगा। मैंने कहा गुरु जी कहो कितनी भी कठिन साधना हो मैं करता हूं, क्योंकि मैं तब तक ही गजानन महाराज की पोथी वगैरह पढ़ता था, तो सुबह 7 बजे बैठ के रात के शाम 7 बजे तक 12 घंटे बैठकर साधना करता था। उसी इसमें मैंने कहा कि गुरु जी कहो, गुरु ने एक विशिष्ट मंत्र देकर कहा कि एक हाथ में दिया पकड़ ले और एक हाथ से मंत्र जप के माला कर खट कर करना है। जो तब प्रेस के ऊपर एक कमरा रहता था जिसमें गुरु जी का फोटो रहता था और थोड़े साधक आकर वहाँ साधना करके चले जाते थे। गुरु जी ने वहाँ साधना करने के लिए कहा, मैं साधना के लिए गुरु ने जैसा कहा खड़ा हो गया, इस हाथ में दिया था। अब आपको पता है अगर हाथ यूं ही पकड़ ले तो एक घंटे के बाद तो हाथ खींचने ही लगेगा, हाथ तो खींचेगा ही खींचेगा। फिर गुरु जी ने इसके नीचे एक ऐसा ही लकड़ा लाकर जो सन्यासी लोग लगाते हैं वो लगा दिया और उसके ऊपर आधार करके मैंने साधना आरंभ की। पहले दिन की साधना 10 घंटे चली, मंत्र जप करते करते 10 घंटे में मंत्र जप पूरा हुआ। फिर मैं सब रखकर आ गया, दूसरे दिन गया, दूसरे दिन साधना 8 घंटे में पूर्ण हुई क्योंकि बार बार मंत्र बोलता था। और तीसरे दिन जब साधना आरंभ किया तो करेक्ट 7-7.25 घंटों में पूर्ण हो रही थी, तभी तीसरा दिन था। गुरु जी पीछे से आए और गुरु जी ने सिर्फ मुझे सर हिलाते हुए कहा क्या साधना हो रही है, मैंने भी सर हिलाकर कहा साधना हो रही, बस आखिरी माला है अभी। गुरु जी के चेहरे पर भी मुस्कान थी, मैंने देखा कि गुरु जी मेरे पीछे जो लोग खड़े थे हम सभी को पीछे भेज दिए और उस साधना कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। एकदम अंधेरा वैसा हुई और मेरी आखिरी माला चल रही थी, अभी एक 10 मणि या 5 मणि थे। मैं निश्चित साक्षी मेरा मुझे एक ही था कि मेरी साधना पूर्ण हो रही है और गणेश जी कैसे दर्शन देंगे। साधना की 10 मणियां थी, मैं खींच रहा था, उतने में उस कमरे में उस कक्ष साधना कक्ष में बहुत बड़ा प्रकाश हुआ, मेरे आंखें चकरा और मैं उस दृश्य को देखता रहा कि प्रकाश कहाँ से आया, कोई लाइट का बल्ब लगाया होगा या कुछ होगा, ऐसा सोच ही रहा था कि वो प्रकाश उसका आकार गणेश जी में बदल गया। गणेश जी में बदला जैसे ही और मेरे हाथ से उस दिए को जो मेरे हाथ में दिया था वो लेकर नीचे रखा दिया, नीचे रख दिया। कौन सी शक्ति काम कर रही थी मुझे नहीं, लेकिन आकार तो गणेश जी का था और अविरल रूप से मैं देखकर उस उजाले से समझ में नहीं आ रहा था। और मैं धीमा धीमा जो मणि में 1 मिनट में 2-3 बार खींच सकता था वो मणि 5 मिनट को 1 मणि खींच रही थी। और जैसे ही वो दिया रख दिया गया और मेरे हाथ में छोटा सा लड्डू था, बस मेरा जीवन इतना हो गया कि एकदम 5 मिनट के अंदर वो प्रकाश चला गया, हाथ दिया नीचे और लड्डू हाथ में, पीछे से गुरुदेव जी दरवाजा खोल कर आए और मैं गुरु के चरणों में पड़कर इतना रोने लगा कि आजकल क्या ऐसे गुरु है जो इसका दर्शन दिला सकते हैं। इस दृश्य को देखने के बाद मेरे जीवन का समस्त समर्पण मैं गुरु जी के चरणों में कर गया कि गुरु हो तो ऐसा हो, क्योंकि मैंने उससे पहले बहुत सारे गुरुओं को मिला था, शंकराचार्य आदि आदि गुरुओं को, बहुत बहुत सारे गुरुओं को मिला था और कोई भी गुरु करता था अरे क्या बात करे, कलयुग में देवता ना पृथ्वी पर आते हैं क्या, कलयुग में दर्शन देते हैं क्या, ऐसी सबने बात कही। लेकिन परम पूज्य सद्गुरुदेव एक ही थे जो कहते थे कि साधना पर ऐसा कार्य हो सकता है और वो हुआ मेरे जीवन में। और जब यह घटना संपन्न हुई मैं गुरु जी के चरणों में नमस्कार करके उठा और गुरु जी के सामने आनंद के अश्रु बहा रहा था। और तब मैं गुरु जी से गुरु जी साधना हो गया और मेरे दर्शन हो गया, तो गुरु जी ने अपना हाथ सर पर फेरा और मुझे मैंने कहा कि गुरु जी मैं जाता हूँ। तब तक मेरे सरकारी नौकरी के 6 दिन हो गए थे, मैं लीव नहीं लगाया था ऑफिस में और ऑफिस में लीव नहीं लगा कर जाने से कारण मुझे ये था कि अब ऑफिस में नौकरी में क्या क्या मेमो आएगा, क्या नौकरी में लगेंगे। सरकारी नौकरी ऑफिस कमिश्नर थे वो लोग, मुझे कुछ ना कुछ तो मेमो तो दे ही देंगे। मैं जैसा ही आया, आने के बाद देखता क्या हूँ कि दूसरे दिन ऑफिस को जाना था तो मेरे साथ ही सब लोग आए और बोले जोशी कहाँ पे गया, 8 दिन हो गया कहीं चले गया। अरे क्यों क्यों, हाँ ऑफिस में कोई गड़बड़ होगी क्या, तो उन्होंने क्या तू जैसा ही गया यार यहाँ स्ट्राइक हो गया पूरा का पूरा और सब लोग लीव लगे। गुरु जी की प्रसन्नता, मुझे प्रसन्नता इतनी हुई कि गुरु जी ने मेरे उस कार्य को भी रोका कि मुझे लीव भी लगाना नहीं पड़ा और गुरु कृपा से मैं उस दिन से जो समर्पित हुआ गुरु जी के चरणों में और गुरु जी के सब प्रार्थना करता रहा कि प्रभु ऐसी ही जिंदगी मेरी गुजरे कि मैं साधना करता रहा।
लेकिन सच्चा समय तो उस समय से आरंभ हुआ, परीक्षा के दिन उस समय से आरंभ हुए। ऐसी परीक्षाएं जीवन में मैंने ली। मैं, मेरे पत्नी और दो बच्चे दो कमरों में रहा करते थे, हैदराबाद में दो ही कमरों में रहा करते थे। जिस दिन आया और गुरु मंत्र जब आरंभ किया, पत्नी को भी एक साल के बाद दीक्षा दिलाया, दोनों बच्चों को भी दीक्षा दिलाया, और मैं कहता हूं आपको कि 8 साल तक एक दिन एक एक दिन ऐसा नहीं गुजरा। मैं आज भी मेरे पास पर्स में रखा हुआ है। गुरुजी के पास किस लिए गया था बाद में कि जब इतना गणेश जी के दर्शन करवा सकते हैं तो गुरुजी बहुत बड़ा काम करवा सकते हैं। मैं गुरुजी के पास इसलिए गया था कि मैं डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा दिया था और परीक्षा में पहले और दूसरी उत्तीर्ण हो गया था। तीसरे कोर्स में तीसरे चरण में मुझे इंटरव्यू को बुलाना था और मैं गुरुजी के पास लेकर गया था कि गुरुजी मुझे मैं डिप्टी कलेक्टर सेलेक्ट हो जाऊं, आप ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करो। तो गुरुजी ने कहा तुझे ये साधना करवानी है, यहाँ ये क्रिया करवानी है, ये प्रयोग करवाना है। और गुरुजी ने जब वो प्रयोग के बारे में कहा, मेरे पास उतने पैसे नहीं भी थे लेकिन एक आशा थी कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनूं। गुरुजी ने निखारा था अपने कागज पे, अनिल कुमार जोशी डिप्टी कलेक्टर, उनके लिखा हुआ मेरा कागज आज भी मेरे पास है। मेरे को मेरे खुशी का ठिकाना ना रहा कि इतने महान गुरुजी उनके हाथों से अगर लिखते हैं तो मैं तो डिप्टी कलेक्टर तो हो ही जाऊंगा। मैं सारे गांव में मेरे साथियों में मेरे सभी को पास ये बोलता गया कि मैं डिप्टी कलेक्टर का परीक्षा पास हो गया हूँ, मेरे गुरुजी ने कहा है मैं डिप्टी कलेक्टर हो जाऊंगा। बात ऐसी हुई कि वो बात उस परीक्षा के ऊपर स्टे आया, कोर्ट से स्टे आया और कोर्ट ने कह दिया कि ये परीक्षा नहीं होगी। और मेरा सारा किया किया हुआ, मेरा मेरी आयु हो जाने के कारण फिर परीक्षा में नहीं हुआ। और मेरे अब आप एक गेस कर सकते हैं कि मेरा कितना अपमान हुआ होगा, लोगों ने कितना मुझे छेड़ा होगा कि तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें कहा और तुम्हारा काम नहीं हुआ। उस समय एक मनुष्य की क्या स्थिति बनती है? हम अगर एक गुरु कह दें कि तुम्हारा एक कार्य हो जाएगा और वो नहीं हुआ तो तुम्हें कितनी प्रताड़ना इसी झेलनी पड़ती है। यही प्रताड़नाओं के कारण सभी लोगों ने, यहाँ तक कि मेरे माता पिता और मेरे सगे बंधु भी मुझे चिढ़ाने लगे, बड़े गुरु का नाम बोलने आए, डिप्टी कलेक्टर कहाँ हुआ, क्या हुआ तेरा? और मैं अभी मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा, न इधर को गुरु को छोड़ सकता था न उधर वो लोगों को जवाब दे सकता था। ऐसी स्थिति मेरी हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद गुरु जी के पास गया, गुरु जी के पास बैठा हुआ था, लेकिन मेरे मन से ये नहीं आ रहा था कि गुरु जी को ये बात कहूँ कि गुरु जी मैं इसलिए। तो गुरु जी ने एक बार कहा, तू इससे पहले आया था ना प्रयोग, किसके आया था? मैंने कहा गुरुजी ऐसे मैंने डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा दी थी और वो परीक्षा नहीं हुई, उसका कोर्ट में स्टे आ गया और काम नहीं हुआ। तो गुरुजी हंसे, तो डिप्टी कलेक्टर की बात क्या करता है, तेरे सामने डिप्टी कलेक्टर और विधायक एमएलए तेरे सामने खड़े हो, ऐसा तुझे बनाता हूँ, तुझे आशीर्वाद देता हूँ, ऐसा गुरुजी ने कहा। मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई, उनकी बात मुझे समझ में नहीं आई कि जो मैं एक डिप्टी कलेक्टर नहीं हो सका, ये बात कैसे हो सकती। बाद में जब गुरुजी से आया, हर बार दीक्षा के लिए जाता था, थोड़े दिनों के बाद अब नौकरी के लिए जाऊं तो नौकरी में लोग चिढ़ाते थे, इधर माँ बाप के पास जाऊं तो माँ बाप भी कहते थे क्या बात कर रहा है। अब पूरी तरह से ऊब गया था और दिन में ठान लिया कि अब मैं नौकरी को नहीं जाऊंगा, नौकरी छोड़ दूंगा। गुरुजी ने एक बार दीक्षा में कहा था, दीक्षा करते समय आप सभी साधकों को बताया कि हर हर महादेव का अर्थ क्या होता है, हर हर महादेव करके दो हाथ उठा देते हैं उसका मतलब क्या होता है। गुरुजी ने कहा था कि जोशी ये हर हर महादेव का अर्थ ये होता है कि अगर कोई तुम्हें पर बंदूक तान दे और कहते था क्या है दोनों हाथ उठा दो, इसका मतलब है तुम मेरे प्रति समर्पित हो गए, मैं तुम्हें गोली मारने वाला हूँ, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम समर्पण हुए हो, अब तुम्हें गोली मारने की शक्ति मेरे पास है, इसलिए दोनों हाथ उठा देते हैं जब तुम्हारे पर बंदूक तानी जाए। गुरु यही कहता है कि तुम समर्पित हो जाओ, हर हर महादेव के दोनों हाथ उठाओ और कहो कि तुम मेरे हो, मैंने गोली ताली है, तुम अपने आप को मुझे समर्पित कर दो। सरेंडर होने की क्रिया को हर हर महादेव कहा गया। हम यूं ही हाथ उठा देते हैं इसका मतलब ये नहीं, हर हर महादेव का अर्थ ये होता है कि हम पूर्ण तरीके से तुम्हें समर्पित है प्रभु, आपको जो करना है करो। ये दोनों हाथ उठाने का अर्थ गुरु ने उस समय समझाया था। और समर्पण का अर्थ होता है समर्पण, मेरा काम हो या ना हो समानता से के साथ मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित हूँ, इसको समर्पण कहा गया है। हम अब तो हमारे समर्पण स्तुति में गाते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, कहाँ तक सौंपा हम कहाँ तक देखते हैं। और उस समय से लेकर 8 वर्ष तक मुझे याद है, आज भी 8-9 वर्ष तक मैं गुरु जी के पास जाता रहा। गुरु जी हर बार कहते हाँ तेरा काम हो जाएगा, ऋषि जा, यहाँ आता तो नौकरी छोड़ दिया,
भाई बहन माता पिता सब लोग तेरे बच्चों को कैसे पालेगा, बच्चे बड़े हो गए कल शादी कैसे होगी, दो दो कमरों में रह रहा है, तेरा जीवन क्या होगा, कभी सोचा है क्या? सरकारी नौकरी तो ब्राह्मणों को मिलती नहीं, मिली तो उसे भी छोड़ दिया और साधनाओं के मार्ग पर लगा हुआ है, तेरा जीवन कैसा हो? सोच तो मेरी थी लेकिन साधनाएं तो कर रहा था, साधना करते करते बीती और आखिरी समय में मुझे आज भी वो दिन है 3 जून 1993 उस दिन मैं गुरु चरणों में दिल्ली पहुंचा। ये कहते हुए गुरु जी के पास गया कि बाहर बैठा हुआ था, गुरु जी ने कहा कौन कौन आया? हैदराबाद से जोशी आया है, उसको भेज दो। मैं अंदर गया, अंदर जाने के बाद गुरु जी एक समय एक मिनट के लिए मुझे देखे, बोले क्या है, इसलिए आया, क्या है, क्या बात है? मैंने गुरु जी से कहा प्रभु इस संसार में दो बातें मैं आपसे आज चाहता हूँ, जो हुआ जो हो रहा है ये मुझे पता नहीं, मेरा कर्जा बढ़ गया है या मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे जो कुछ भी कठिनाई है, मेरे बच्चों को कैसे किस तरह पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल दो कमरों में 180 रुपए के किराए पर मैं दो कमरों में रहता हूँ, आजकल तो मेरे भाई मेरे दोस्त भी मेरे पास आना छोड़ दिए इसलिए कि कहीं ये पैसे तो नहीं मांगेगा ना, ये नौकरी नहीं कर रहा है, वो भी लोग किनारा कर रहे हैं मेरे पास नहीं आ रहे, इस स्थिति में मैं हूँ, ये मेरे दिल में ठान लेकर गुरु जी से दो बातें मैंने उस दिन कही। गुरु जी या तो मैं आपका सामर्थ्यवान शिष्य बनकर जीऊंगा, नहीं तो मुझे मृत्यु दे दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं ऐसा जीवन नहीं जीता जिसमें असमर्थता है, या तो आपका नाम लेकर इस संसार में जीऊं ऐसा बताऊं कि मैं सामर्थ्यवान शिष्य हूं, नहीं तो असमर्थ, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं। गुरु जी के आंखों में एकदम चमक आई, बोले क्या बात करता है, इधर आ जा। गुरु जी ने उस दिन मुझे कहा था कि तेरे कपड़े पूरे उतार दे, और गुरुजी ने क्या दीक्षा दी प्रभु मुझे आज तक पता नहीं, गुरुजी ने जिस दिन उस दिन जो दीक्षा दी वो दीक्षा लेकर मैं जैसे ही बाहर आया, लोग या मेरे माता पिता मेरे भाई बहन दोस्त सब लोग कहने लगे कि तू तो देवता है, क्या गुरुजी की दीक्षा थी क्या था, और आज तक कहता हूँ वो दीक्षा के बाद मैं आज से तब से पलट के नहीं देखा, आज भी मैं चाहता हूँ तो जिस देवता को चाहता हूँ वो देवता मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े होते हैं और कहते हैं कि तुझे क्या चाहिए, ऐसी दीक्षा ब्रह्मचर्य सद्गुरुदेव जी ने मेरे जीवन में दी और आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, जैसा हर शिविर में मैं भी आपकी जैसा ही गुरु जी के शिविर में बैठा करता था। 94 के बाद 95 के बाद मैंने गुरु जी के हैदराबाद में 5 शिविर किए और 5 शिविरों को भी बड़े गुरुदेव आए, और आप अगर 93, 94, 97 की पत्रिका निकाल कर देखते हो तो गुरुजी ने उसमें स्वयं लिखा था कि जोशी साधक है, मेरे साथ भारती जोशी नाम की एक हरियाणा की साधिका भी थी और गुरुजी ने उसमें लिखा था कि जोशी साधक है, मैंने जोशी को साधना करते हुए देखा है। ये जीवन का लक्ष्य है, जीवन के लक्ष्य को लेकर चला कि मैं असमर्थ जीना नहीं चाहता, मैं जीऊंगा तो सामर्थ्यवान जीऊंगा और अच्छी तरह गुरुजी के बारे में जीऊंगा क्योंकि गरीबी से ऊपर आया हूं। बाद में 5 शिविर हुए, गुरुजी ने जब सोलापुर में एक शिविर हो रहा था और मध्य गुरु कैलाशचंद्र सिंह मानी जी उस शिविर के लिए आने वाले थे और उसके शिविर के लिए जब कैलाशचंद्र सिंह मानी ने कहा कि वहाँ मराठी बोली जाती है और ये सब बातें कैसे संभलेगा, तो गुरु वहाँ से पांडे जी थे वासुदेव पांडे जो काशी के रहने थे कन्नन पांडे जी के श्रीमती कनक पांडे जी के पति थे, उनको गुरु जी ने कहा कि तुम्हें कोई चिंता करने की बात नहीं है, जोशी शिविर को संभालेगा। फिर मैं कैलाश सिमाली गुरुदेव को लेकर सोलापुर गया, सोलापुर में शिविर हुआ, पहली बार मैंने मराठी में प्रवचन दिया और शिविर बहुत ही सुंदरता से संपूर्ण हुआ। उसके बाद जो धैर्य बढ़ा, उसके बाद गुरुजी जहाँ भी कहते थे, पहली बार जब शिविर हैदराबाद में आए तो वहाँ सब तेलुगु भाषा भाषी लोग, हिंदी तो आती नहीं किसी को, तो तेलुगु की भाषा बात करते हैं, तब गुरु ने कहा था जोशी यहाँ मेरी भाषा नहीं सुनी, मेरी पत्रिका हिंदी में शक्ति है और मैं हिंदी में प्रवचन देता हूँ, यहाँ तो इस भाषा का प्रयत्न नहीं, तो यहाँ इसकी यहाँ की भाषा जानता है, तो इसलिए मैं तुझे कहता हूँ कि तू तेलुगु में उनको मैं जो कह रहा हूँ समझा, और उनको आज तुझे कहता हूँ कि तू इनको दीक्षा का मंत्र समझा और दीक्षा दे दे। और उस दिन गुरु जी का परमिशन मिला कि मुझे गुरु के मंत्र दीक्षा दे दे, जो भाषा नहीं समझते इनको भाषा का ज्ञान नहीं है, उसलिए तब से मैं दक्षिण में कर्नाटक में गया, मराठी महाराष्ट्र में गया, तमिलनाडु में गया, और मैं जहाँ भी गया हूँ मराठी महाराष्ट्र में गया, तब से गुरु दीक्षा, क्योंकि बहुत सारे पुराने गुरु भाई जो आप यहाँ बैठे हुए हैं उनके पास एक प्रश्न उठता ही होगा कि केवल गुरु जी को ही 3 गुरुपुत्रों को ही दीक्षा देने का अधिकार है, बाकी लोग नहीं है, लेकिन मैं ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि गुरु जी के कहने पर ही मैं
गुरु दीक्षा देते हुए आया हूं, और अगर मैं असत्य था, मैं झूठा था, तो ये 22 साल गुजरे, मैं ऐसे शिविर हजारों किया हूं। गुरु जी कभी का मेरे पर मार मारते थे और कभी का छोड़ देते थे। मैं आज तक जो कार्य करते आया हूं उस कार्य की प्रशंसा ही हुई। मैं केवल यही चाहता था गुरु जी कि इस संसार में, गुरु जी मैं 2 कमरों में रहता था और एक कमरों में पत्नी और बच्चे रहते थे, दूसरे कमरे में साधना कक्ष था। हमें साधना करने के लिए पानी के लिए तड़पना पड़ता था, करंट के लिए तड़पना पड़ता था और साधना नहीं होती थी। तब मैंने गुरु जी से परमिशन मांगा था, प्रभु ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो साधना करने के लिए, जिन्हें कहीं भी रहकर साधना भी नहीं कर सकते। मंदिर में जाओ तो मंदिर बंद हो जाता है, 11 बजे मंदिर बंद कर देते हैं, घंटा मार देते हैं, यहाँ साधना करते मत बैठो। आज जंगलों में जाओ तो जंगलों में फायर सर्विस पुलिस आते हैं, नक्सल समझते हैं। कहीं किनारे पर, नदी के किनारे हम साधना करने बैठ गए तो लोग कहते हैं तांत्रिक है, इसको तो निकालो। तो हम साधना करें तो कहाँ करें, कहाँ साधना करें? तब मैंने परम पुण्य सद्गुरुदेव से प्रार्थना की थी, गुरुजी मैं एक साधना स्थली बांधना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उस गरीबी से गुजरा था, मैं कहाँ साधना करने के लिए कक्ष या स्थापना नहीं थी। तो गुरुजी ने तब मुझे प्रसन्नता के साथ कहा था, जोशी तू साधना स्थली बांध। मैंने वो जगह भी गुरुजी को बताई थी और गुरुजी के कहने पर ही मैंने निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की। निखिल चेतना केंद्र की स्थापना इसलिए नहीं की कि मैं कोई गुरु बनूं, मैं आप सभी का गुरु भाई हूं, और मैं केवल इस उद्देश्य से बांधा हूं कि साधना करने के लिए एक स्थल हो उन साधकों के लिए जो साधना करने की इच्छुक है, साधना करना चाहते हैं। और गुरुजी ने सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की थी, उस सिद्धाश्रम साधक परिवार के लिए साधक बनना अनिवार्य था। उनका गुरुजी का हर एक पत्रिका में साधना ही दिया करते थे, हर एक उनका पुस्तक साधनाओं के बारे में लिखा जाता था और साधनाओं के बारे में करते थे। तो साधना करने के लिए एक जगह चाहिए जो पवित्र होनी चाहिए। अपने छोटे छोटे घरों में पत्नी हो, बच्चे हो, मोबाइल फोन हो, अपना व्यापार हो, हम निश्चय साथ साथ शांति के साथ साधना नहीं कर सकते, एक साधना स्थल का निर्माण करें। इसलिए मैंने हैदराबाद में निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की और निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की। और आज भी बहुत सारे यहाँ के भी जितने भी लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, वो लोगों को पता है। मैं साधना स्थली ऐसे बांधना चाहता था परम पुण्य सद्गुरुदेव की आज्ञा से कि वहाँ साधना स्थली में कोई आए तो उसको कभी इसका महसूस ना हो कि मुझे यहाँ कितने पैसे देने पड़ते हैं या मुझे कितने रहने के लिए क्या पैसे हैं, खाने के लिए क्या पैसे हैं, इसके लिए क्या लेना पड़ता है, ऐसा कभी भावना हो। वो आए केवल और साधना करें और गुरु मार्ग पर आगे चलें। इसी तरीके से आज 22 साल से वो साधना स्थली चल रही है। आप सभी को पूछ सकते हैं कि मैंने किसी को वहाँ साधना करने के आने के बाद 1 रुपया भी किसी के पास से वहाँ रहने के लिए या भोजन के लिए लिया है क्या? और मेरा उद्देश्य केवल यही था निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद बांधने का कि आप सब लोग कोई भी जो साधना करना चाहते हैं वो निशुल्क वहां आए, साधना करें और जाएं, साधना का फल अनुभव करें, साधना करें। इसी उद्देश्य से निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की। यह मेरे निखिल चेतना केंद्र की स्थापना का और मेरे उद्देश्य का कि मैं किस लिए ये स्थापना करते आगे चल रहा हूं और ये चलना चाहिए, एक पहलू हो गया। दूसरा ये गरीब जो एक नौकरी करने वाला है, अगर वो किसी साधना क्षेत्र में साधना करना चाहे, साधना जाए, साधना के लिए जाए, अपनी मनोकामना लेकर जाए और वहां उसको केवल पैसों पर तोला जाए, तेरे पास पैसे हैं तो इतने पैसे हैं तो आज तुझे दीक्षा दी जाएगी, तेरा काम करवा देंगे, और उसके बाद दीक्षा देने के बाद काम नहीं हुआ तो वो गरीब क्या उससे पूछ सकता है? धर्म जब तक बेच जाएगा तब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी। यह बात मेरे को आज भी खटकती है कि क्या गरीबों के लिए भगवान नहीं है, केवल पैसों के लिए ही भगवान है? जिसका पैसा है उसका ही काम हो सकता है क्या? ऐसा ही होना चाहिए। और इसके लिए मैंने शिविरों को आरंभ किया। मेरा एक ही कहना था कि गुरु मंत्र की दीक्षा हो या गुरु जी के शिविर में आने की क्रिया हो या फिर किसी साधना की दीक्षा, आपके पास गुरु जी ने तुझे ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को बांटना, उसके लिए पैसे क्यों लेता है? उस ज्ञान को बांटने 4 लोग अगर अच्छे भले होते हैं, एक बात अलग है कि शिष्य को अगर उसका काम हुआ उसको पता है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा है, शिष्य अपना सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं और गुरु शिष्य के पास से कुछ भी ना ले, ये गुरु शिष्य का संबंध है। और ऐसे संबंध रहना ही ठीक है, ऐसा संबंध रहने वाला ही श्रेष्ठता के साथ जी सकता है। और ऐसा ही संबंध पति पत्नी का है, पत्नी अपना सब कुछ पति के चरणों में समर्पित कर रहे
और पति उसका कुछ ना ले और उसको अपनी तरीके से पूर्ण सुख दे, वही संसार सुखी है। जहां पत्नी कुछ भी चाह, पैसों की ऐसी भौतिक चाह रखती है अगर पति के साथ, वो संसार सुखी नहीं हो सकता। और पत्नी को पत्नी से कुछ चाहने वाला पति रहा तो वो भी संसार सुखी नहीं हो सकता। इन दोनों में जब तक ये समर्पण नहीं है तब तक सुखी संसार को हम नहीं दे सकते। यही गुरु शिष्य का संबंध भी है और उस गुरु शिष्य के संबंध को आगे चलाना चाहिए। जब ये बात हुई तब से मैं ये चाहता हूं कि मेरे उन लोगों में गुरु शिष्य का संबंध हो जहां पैसों की बात ना हो। चाहे गुरु दीक्षा लेने की हो, गुरु चादर लेने की हो, या गुरु के साथ बैठने की बात हो, या साधना का ज्ञान देने की बात हो, आप ये नहीं होना चाहिए। इस उद्देश्य से मैं आगे चलता रहा। बहुत जगह देखता हूँ कैसी चीजें होती है। नंबर तीसरी बात मैं देखने को मुझे मिला, थोड़े से छत्तीसगढ़ के साधक मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि प्रभु हम गुरुजी हम लास्ट 8 साल से हवन कर रहे हैं, कंटिन्यू हवन कर रहे हैं। मैं बोला ऐसा किस शास्त्र में लिखा हुआ है? एक बार पत्रिका निकाल के गुरुजी के 10-20 साल के पत्रिकाएं निकालो और कहां लिखा है ये बताओ कि गुरुजी 8-10 साल कंटिन्यू हवन करो तुम्हें दीक्षा मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, तुम्हें देवता का दर्शन, कहीं बताओ, कहीं आप बताओ। तो फिर ये किस लिए कर रहे हो? महाभागवत में, श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है। एक महाराजा था जिसको ज्ञान हो या अज्ञानी हो, उसने कम से कम 2-3 वर्ष तक कंटिन्यू हवन करता रहा, अच्छे मंत्रों से करता रहा। और वो हवन जब पूर्ण हुआ तो हवन पूर्ण करने की बात ही नहीं लेते तो महर्षि नारद आए और कहा कि ये क्या कर रहे हो यार, इसे बंद करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू हवन नहीं होता। कौन कहता है? हवन का एक विधान है, शास्त्र कहता है मंत्र जप करो, मंत्र जप का दशांश हवन करो, उसका दशांश तर्पण करो, उसका दशांश मार्जन करो, तब वो शांति होती है और साधक को शांति मिलती है। नहीं तो वो साधक उग्र हो जाता है और उसको गुस्सा आ जाता है, उसका सारा सामान सारा चीज दग्ध हो जाती है। ऐसा क्यों? गुरु जी का ही पुस्तक पढ़ो, आप मुहूर्त ज्योतिष निकालो। अगर गुरु जी का मुहूर्त ज्योतिष आपका ज्ञान है तो उसमें निकालो। गुरु जी ने कहा है कि पृथ्वी स्त्री है, हमारी जमीन हमारी भूमि ये स्त्री है और इसको भी महीने वाली होती है जैसे स्त्रियों को होती है। वो 3 दिन उसको महीने वाली होती है। वो कभी रोती है, जब सीता माई को रामचंद्र जी ने छोड़ दिया था तो सीता माई के लिए या पृथ्वी के लिए रुदन, स्त्री का ये मैल के 3 दिन स्त्री का रुदन और स्त्री का हास्य नाम के मुहूर्त गुरु जी ने दिए। और गुरु जी ने कहा है कि स्त्री जब पृथ्वी जब हंसती है तभी हवन करो, और स्त्री जब वो मैल के दिनों में 3 दिन का मैल है या उसको रुदन करती है तब हवन करते हैं तो उसका विपरीत परिणाम होगा। देवता आना तो दूर की बात रही, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। मैं नहीं कहता, आप पुस्तक पढ़ के देखो, अगर ये नहीं हुआ तो मुझे आप प्रश्न करना, कोई भी उठ के प्रश्न कर सकते हैं, मैं बताता हूं। और ऐसा कर आज आप जहां यहां हो, सब लोग जो भी हैं जिन्होंने भी हवन किया है, मुझे इसका ही आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों किया जाता है जबकि हमारा शास्त्र कहता है मंत्र करो तद दशांश हवन करो, तद दशांश तर्पण करो, तद दशांश भोजन का मार्जन करो, तद दशांश हवन भोजन करवाओ तो उस मंत्र की सिद्धि और शांति मिलती है, ये हमारा शास्त्र कहता है। क्या हम इस शास्त्र को इस तिथि को कर सकते हैं? कर रहे हैं, करना चाहिए। जब ये नहीं होता तो हम क्या कर रहे हैं? इसलिए कि हम एक विधि विधान के साथ चलें, यही इच्छा रखते हुए मैं आप सभी को कहता हूं कि आप किसी भी, जैसे खाना पकाने के लिए पहले तरकारी चाहिए, चावल चाहिए, उसको फिर चूल्हे पे चढ़ाना चाहिए, वो एक हवन है उस पर पकता है, पकने के बाद खाना खाना चाहिए, उसको पानी डालना चाहिए, भोजन एक विधान है। उसी तरह मंत्र को सिद्ध करने का भी एक विधान है। उस विधान के साथ चलो तो हमें मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। मैं आप इसी मार्ग से कहता हूं कि एक मार्ग है, उस मार्ग से चलना ठीक है, ये मेरा है। लेकिन जिन्होंने आपको कहा है कि आप कंटिन्यू हवन करो, आप बता दो कि आप सिद्ध हो गए हैं तो मैं भी वही मार्ग अपनाऊंगा। आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई तो आप कहो मैं भी उस मार्ग को अपनाने के लिए तैयार हूं। मैं आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं कि मैं किसी को कोई दोष नहीं देना चाहता है, किसी को कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन क्या सिद्धि मिली आप इस चीज को देखें और मुझे बताएं। मैं तो मार्ग बताने के लिए आया हूं आपको, जो आपको अच्छा लगे वो करें। इसके बाद आज जिस साधना के लिए यहाँ आया हूं, हम यहाँ के क्षेत्र से माँ बमलेश्वरी या बगलामुखी देवता नित्य नजदीकी क्षेत्र कहलाया जाता है। और बगलामुखी माता का यहाँ आविर्भाव कैसे हुआ, बगलामुखी कहाँ कहाँ है और बगलामुखी का मन क्या कहता है, बगलामुखी का स्तव कहता है, बगलामुखी का मंत्र क्या कहता है,
हम तो बगलाओं के मंत्र बहुत सारे लोग बहुत सारे ये करते हैं। बगलाओं के मंत्र में क्या लिखा है, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वां किले बुद्धिं विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। उसमें ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां, सर्वदुष्टानां यानी सारे दुष्ट जितने भी हैं, माँ उसका जिह्वा कीलन करो, उसकी जिह्वा को बंद कर दो, उसकी बुद्धि को स्तंभित कर दो, उसको चलने के लायक मत करो, जिह्वां किले बुद्धिं विनाशाय उसकी बुद्धि का विनाश करो और उसको स्तंभित कर जो दुष्ट है। पहले हम अपने आप को मंत्र करने से पहले प्रश्न कर लेना चाहिए कि क्या हम दुष्ट है या नहीं है। अगर आप दुष्ट है तो पहले आप ही स्तंभित हो जाएंगे, फिर बगलामुखी का मंत्र कैसा, सर्व दुष्टानाम क्या आप दुष्ट होकर आते हैं या नहीं आते हैं, आप में दुष्टता है या नहीं है। और जब इसका सबका ज्ञान नहीं होता तो बगलामुखी का मंत्र कैसे कहना चाहिए, ये पहले ज्ञान अपना करना चाहिए बगलामुखी मंत्र करने से पहले।